ओके ये डॉक्टर अनीता है। हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। जेसी इनको यहाँ के वार्ड्स दिखा दो। हाय जेसी। हेलो डॉक्टर, हम आपको सारे पेशेंट्स के बारे में बताएगा किस किस को क्या है। ये देखिए, ये बुढ़िया आफत की बुढ़िया है, रोज चॉकलेट मांगती है और नहीं देते तो गाली बकती है। पर इनको हुआ क्या है? डायबिटीज डॉक्टर, सीरियस डायबिटीज। ओह, और इसको देखिए, ये लव में मारा गया। क्या? हाँ, मोटरसाइकिल का ऊपर एक छोकरी का पीछे पड़ा, इसका टांग टूट गया। 3 महीना हो गया डियर को, पर उसका टांग का हड्डी है क्या अपनी जगह के ऊपर आता ही नहीं। पर डॉक्टर बोला है कि अगला वीक तक उसका हड्डी अपना जगह के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये फिर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठेगा, फिर छोकरी का पीछे जाएगा, फिर टांग तोड़ेगा, फिर इधर आएगा। अभी लेफ्ट तोड़ा है, इसके बाद राइट तोड़ेगा। ये लव का लफड़ा जो है ना डॉक्टर। वेरी सॉरी सॉरी, आइए इसे देखिए। ये हमारा सबसे बेस्ट पेशेंट है, इसका कोई कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल चुपचाप 5 साल से कुछ भी नहीं बोलता। 5 साल? क्या मतलब? कोमा, कोमा का केस है डॉक्टर। कोमा? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अमर, तुम जिंदा हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कैसा करिश्मा है? ये थी, जल्दी आ। ये थी, देख ये तेरा पेशेंट। ओह थैंक यू गॉड, हमारे पेशेंट का ब्रेन पर काम करना चालू कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर हम अभी अभी मॉनिटर में देखा, अमर का ब्रेन का वेव बहुत जोर से चालू हो गया, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया। ऐसे कैसे हुआ डॉक्टर? जेसी, ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, शायद इसे होश आ रहा है। हमारा प्रार्थना नहीं डॉक्टर, आप उसका वास्ते बहुत लकी है। आप उसको टच किया, उसका अंदर जिंदगी आ गया, उसका दिल का धड़कन बहुत फास्ट हो गया। आज आपका पहला दिन है और उसको होश आना शुरू हो गया, इट्स समथिंग ग्रेट। हम आप ही उसका देखभाल करो डॉक्टर प्लीज। जैसी मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ये उस दुनिया में फिर से लौट आए जिसे ये खो चुका है। मुझे इसके केस की फाइल दो। श्योर डॉक्टर। अमर, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि 5 साल तक तुम इस हालत में रहे। कितनी तकलीफें हुई होंगी तुम्हें, और इतने सालों बाद मुलाकात हुई भी तो
इस हालत में आंखें खोलो अमर, आंखें खोलो, लौट आओ अपनी दुनिया में। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना अमर? मैं अनीता हूं, अनीता। मैं जानती हूं तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मेरे प्यार की खातिर लौट आओ अमर, लौट आओ, लौट आओ अमर, लौट आओ। अमर, तुम होश में आ गए? I can't believe this. Oh God, जेसी, क्या हुआ? जेसी, क्या हुआ डॉक्टर? हमारा सनी होश में आ गया। देखा, हम तुमको बोला था ना, एक दिन तुम हमको जरूर गुड मॉर्निंग बोलेगा। डॉक्टर, हम डॉक्टर दास को बुलाता है। अच्छा, डॉक्टर दास। अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। नो मिस्टर अमर, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी आप उठने के काबिल नहीं है। इन्हें विटामिन के इंजेक्शन देना शुरू कर दो और स्टीम बाथ और मसाज दिन में 2 बार। ओके? यस सर। तुम यहां कैसे आई? अमर, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं भी जीना नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारे शब्द याद आए, खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीना सीखो। बस मैंने दोबारा अपना मेडिकल कोर्स ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर बन गई, लोगों की सेवा में मन लगा लिया। ऐसे ऐसे गांव में गई जब कोई भी जाना पसंद न करे, फिर यहां चली आई। अमर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस जन्म में दोबारा तुमसे मुलाकात होगी। बाय द वे, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, उसमें खास बात लिखी है कि जब भी तुम्हें होश है शेर सिंह को कांटेक्ट कर लिया जाए। हाँ, इस बेमुरब्बत दुनिया में वही तो एक हमदर्द दोस्त है। अनिता, फौरन उसे फोन करो और यहां बुलाओ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शेर सिंह से बात कर सकती हूँ? शेर सिंह, मैं नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर अनिता बोल रही हूँ। ये रुकिए। हेलो, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। शेर सिंह जी, आपके दोस्त अमर को होश आ गया।